Today, I'll be talking about a book that I read recently, and it's about how to win friends and influence people. So, इस बुक को ऑथर ने दो पार्ट में डिवाइड किया है. द फर्स्ट पार्ट ही टॉक्स अबाउट इफ यू आर अ लीडर, अगर आप लीडर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या कहीं भी प्रोफेशनल प्लेस पे, तो हाउ कैन यू मेक पीपल वर्क फॉर यू, और कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे. लाइक जब भी हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और वहाँ से जब अपने करियर को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में स्टेप इन करते हैं, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो हाउ टू डील एंड मैनेज विद पीपल. लाइक जो पीपल होते हैं, दे आर क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस, और वो क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक बिल्कुल भी नहीं होते. अगर हम उनके साथ लॉजिक से डील करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज दे आर क्रिएचर्स ऑफ इमोशंस. उनके पास सेंस ऑफ प्राइड होता है, सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ टू डील विद देम. तो इस बुक में हम लोग मेनली इसी चीज़ के बारे में देखेंगे. तो ऑथर ने कहा है कि जब भी आप, अगर अच्छे तरीके से आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, एक अच्छी लीडर होना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा. कुछ ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स ने एक्सप्लेन किया है ऑथर ने, तो मैं उन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूँ. ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करना है कि जिससे भी आपको काम करवाना है उसको आपको इनकरेज करना है, अप्रिशिएट करना है, ऑनेस्ट अप्रिसिएशन देना है. सेकेंडली वो कहते हैं कि आप किसी को भी क्रिटिसाइज़ करते हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हो तो ऑब्वियस है वो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, डिफेंड करेगा अपने आप को, और हो सकता है आपके प्रति उसको एक रिसेंटमेंट भी डेवलप हो जाएगी. तो रादर देन कि हम किसी चीज़ को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें, उसको क्रिटिसिज्म पसंद किसी को भी नहीं आता है ऑब्वियस, और वो फ्रूटफुल भी नहीं होता, एक फ्यूटाइल चीज़ है. तो अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं उसकी मिस्टेक्स क्या है, तो उसको डायरेक्टली उसके मिस्टेक्स के बारे में उसको नहीं बताना चाहिए. सबसे पहले आप अपने मिस्टेक्स के बारे में उससे बात करो, और आप अपने मिस्टेक्स के बारे में बताओ कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे, और ग्रेजुअली इनडायरेक्टली उनको उनके मिस्टेक्स के बारे में बताओगे. तो रादर देन कि ऑर्डर्स उनको आपको नहीं देना है, रादर देन आप ऑर्डर्स देने के अलावा आप क्या करो, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो. जब आप उनसे क्वेश्चन पूछोगे तो वो लॉजिकली उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, और वो आपके जो बात आपकी बात को रेसेंट नहीं करेंगे. लाइक दे विल एक्सेप्ट दोज विद ग्रैटिट्यूड. आप जो पर्सन काम कर रहा है सामने, अगर उसकी काम में अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, विद द स्लाइटेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन इम्प्रूवमेंट अगर आप देख रहे हो, तो उसको जरूर अप्रिशिएट करो. और आपको अप्रिशिएशन देने में बिल्कुल भी लैविश होना है, और एनी टाइम आपको रीच आउट करना है, अप्रिशिएट करना है, इंकरेज करना है. उन्हें ये बताना है कि अगर उन्होंने कुछ गलती की भी है तो उस गलती को सुधारा जा सकता है, और कैसे सुधारा जा सकता है वो भी आपको ही बताना है. तो इससे क्या हुआ कि आप सामने वाले पर्सन को इतना इंकरेज कर दोगे कि वो आपके ही काम को खुशी खुशी बहुत जॉयफुली करेगा, रादर देन रिग्रेट करके उस चीज़ को नहीं करेगा, या बहुत पेनफुली या बहुत रिपेंट करके उस चीज़ को नहीं करेगा, खुशी खुशी आपके काम को करेगा, तो आपका काम और भी बेहतर हो जाएगा. और नेक्स्ट पार्ट में ऑथर ने कुछ वेज बताए हैं जिससे दैट विल मेक पीपल लाइक यू. तो उन्होंने कुछ ऐसे वेज बताए हैं कि आपको जेन्युइनली सामने वाले पर्सन में इंटरेस्ट दिखाना है. जेन्युइनली मीन्स यू हैव टू क्वेश्चन देम, यू हैव टू मेक देम फील इम्पॉर्टेंट. अगर जब आप उनको इम्पॉर्टेंट फील करवाते हो तो ऑब्वियसली वो आपकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएंगे. और कहते हैं कि जब भी आप किसी पर्सन से मीट करते हो तो यू हैव टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस. तो स्माइल एक ऐसा ऑर्नामेंट है दैट यू शुड ऑलवेज कैरी, और जब आप किसी को देख के स्माइल करते हो तो ये होता है कि सामने वाला पर्सन आपको ईजिली अप्रोच कर सकता है, उसे आपको फियर नहीं होता आपको अप्रोच करने में. सो यू सीम्स टू बी मोर एकॉस्टिक, वो आपको आसानी से अप्रोच कर सकता है. तो ये एक कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव एंड पे रखता है. नेक्स्ट वो कहते हैं कि आप जब भी किसी को मतलब मिलते हो फर्स्ट टाइम, या फिर आप कभी किसी को क्रॉस कर रहे हो, तो ऑलवेज उसके नाम से पुकार कर उसको ग्रीट करो. इससे क्या होता है, जब भी आप किसी को नाम से उसके नाम से पुकारते हो तो ये एक ऐसा सिंबल है जो आपको मतलब उस पर्सन को बहुत खुश कर देता है. लाइक आप किसी को फर्स्ट टाइम क्रॉस कर रहे हो और आप उसको उसके नाम को लेके नाम से बुला करके उसको ग्रीट करते हो, तो ऑब्वियस वो पर्सन बहुत अच्छा फील करता है अपने बारे में, एंड ही बिकम्स और ही और शी बिकम्स वेरी हैप्पी. तो कोशिश करो कि आप उसके नाम से उसको पुकारो. और आपको गुड लिसनर होना है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पे कि आप कैसे गुड लिसनर हो सकते हो. अगर आपने नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो कि हाउ यू कैन बिकम अ गुड लिसनर. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई पर्सन आपके लिए तभी काम करेगा जब वो उसको फील होगा कि वो इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, एंड यू आर मेकिंग हिम फील इम्पॉर्टेंट. तो आप
किस तरह से उसको इम्पॉर्टेंट फील करवाते हो, उसकी बातों को सुनना एंड ग्रेजुअली पुटिंग हिम कि आप इम्पॉर्टेंट हो, मेकिंग हिम फील दैट ही और शी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो पर्सन आपके ऑब्वियसली आपको ग्रेजुअली बहुत एक इंक्लिनेशन आपकी तरफ हो जाएगा और आपको वो पर्सन लाइक करने लगेगा. सो दीज आर द सिंपल फ्यू पॉइंट्स दैट ऑथर हैज डिस्कस कि आप कैसे विन कर सकते हो फ्रेंड्स को, इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने आसपास के लोगों को ताकि सब लोग आप ही को पसंद करें. सो होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. दिस विल कीप मी मोटिवेटेड एंड आई विल कम विद मोर गुड वीडियोज. थैंक यू. Have a nice day.